गुड आफ्टरनून ऑल। तो आज हम देखेंगे डेविएशन के बारे में, और थोड़ा सा प्रिज्म के डेविएशन जो है, प्रिज्म में जो डेविएशन होता है उसके बारे में और एक अच्छे से हम चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे कि डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस का कुछ रिलेशन है क्या, मतलब कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उस पर डेविएशन आ सकता है। ऐसा कुछ ग्राफिकली हम उसको थोड़ा सा मेजर करेंगे। तो मैं अभी हेडिंग डालने जा रहा हूं, दैट इज अ रिलेशन 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 विथ रिलेशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसका ग्राफ निकालना है यार मुझे, अगर ग्राफ निकालना है तो थोड़ा सा कुछ इक्वेशन देखते हैं, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा ना डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ नहीं आता है। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ नहीं आता है तो उसका थोड़ा सा हम रिलेशंस देखते हैं। तो रिलेशन कुछ इस तरीके से आएगा, अगर मैं एक प्रिज्म लेता हूं, 2 मिनट में बस एक इक्वेशंस में डिराइव करता हूं, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज अ प्रिज्म एंगल। तो यहां से कुछ इस तरफ R1 होगा, फिर यहां पे भी हम एक नॉर्मल डालेंगे और इस तरफ एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा और ये R2 होगा। ठीक है सर, ये समझ में आया। दिस इज अ प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये बाहर का जो भी मटेरियल है सराउंडिंग का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज अ एयर। ओके, अब अगर मैं यहां से एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, कहां पे, इस जगह पे मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं तो मुझे दिखता है, मुझे मुझे निकालना क्या है बेसिकली, ये वाला रिलेशन क्लियर कट निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड डेविएशन। सर आप बोलेंगे ये तो रिलेशन है सर हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये तो रिलेशन है सर हमारे पास। हाँ ये रिलेशन है, इसमें यार इमरजेंस एंगल आ गया ना? मैं अगर इमरजेंस एंगल निकालू इन टर्म्स ऑफ आई, क्योंकि इनपुट क्या होगा कोई भी डेविएशन के लिए, इनपुट क्या होगा, तो सर आप एक इंसिडेंस एंगल होगा इनपुट और एक तो प्रिज्म खुद इनपुट होगा। सर प्रिज्म का इनपुट कैसे पता चलेगा, वो तो उसके एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई प्रिज्म का आइडेंटिटी हम कैसे पता करते हैं कि ये यूनिक प्रिज्म है या ये एक प्रिज्म को या अलग अलग प्रिज्म है, उसके एंगल ऑफ प्रिज्म पे ए पे डिपेंड है ना। तो ये प्रिज्म का इनपुट, ये वाला प्रिज्म की आइडेंटिटी, और ये आपने जो इनपुट दिया है इंसिडेंस एंगल वो, और ये आउटपुट है बेसिकली, और डेविएशन कितना आ रहा है ये भी आउटपुट है। तो मुझे एक सीधा सीधा रिलेशन चाहिए, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, डेल्टा एंड आई का ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं रिलेशन पे आता हूं कि रिलेशन कैसा होगा। तो देखो इधर, यहां पे मैं पॉइंट ए पे स्नेल्स लॉ लगाता हूं, स्नेल्स लॉ स्नेल्स लॉ। तो यहां पे अगर लगाया मैंने तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 × sin i इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन R1। यहां से ये आ गया, ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब क्या करता हूं इसको, मुझे और एक यहाँ पे भी रिलेशन लगाता हूँ, मुझे क्योंकि इमरजेंस एंगल तक जाना है और वहां पे देखना है। तो यहां से मुझे अगर देखा जाए तो साइन आई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इसको मैं साइन इनवर्स, ये हो गया आपका R1। सर ये क्यों निकाल रहे हो आप इतना सारा, क्योंकि मुझे इमरजेंस एंगल हटा ही देना है वहां से। ओके, दिस इज अ नॉर्मल। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक स्नेल्स लॉ लगाता हूं इस जगह पे। तो इस जगह पे अगर स्नेल्स लॉ लगाऊंगा तो प्रिज्म का रिफ्रैक्ट इंडेक्स इंटू साइन इंटू R2 इक्वल टू, अब आ गए हम उधर ई तक आ गए हम, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ई। ओके, तो यहां से साइन ई क्या आ जाएगा सर, यहां से साइन ई जो आ जाएगा दैट इज अ साइन ई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन R2। तो यहां पे मैं ये मिटा देता हूं अभी का फिलहाल में। ओके, ये लिखने वाला हूं। ओके, तो ये कुछ साइन मतलब इमरजेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन R2। ओके, R2, ये R2, R2 की वैल्यू ये, दिस इज R2। ओके, तो मुझे R2 नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली इमरजेंस एंगल नहीं चाहिए मुझे। तो 2 मिनट जरा,
मैं यहां से R2 निकालता हूं, ओके, तो फिर हमें पता चलेगा कि ये कैसे आया। ठीक है, R1 और R2 का कुछ रिलेशन है क्या A के साथ? सर बिल्कुल है, R1 और R2 का हमारे पास सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है। वो क्या रिलेशन है जरा बताएंगे प्लीज? तो सर वो जो रिलेशन है, दिस पर्टिकुलर रिलेशन R2 का, वो A माइनस R1 है। ये अगर मैं बात करूं R2 की, अगर मैं बात करूं तो दैट इज A माइनस R1, ये वाला मुझे रिलेशन मिल जाता है। तो देखते हैं ये रिलेशन हम यहाँ पे डालते हैं। मुझे एक्चुअली R1 R2 चाहिए ही नहीं, तो अगर मुझे R1 R2 चाहिए नहीं है सो क्या करूं मैं? एक काम करते हैं, ओके ठीक है, डेल्टा आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। तो I कितना है? तो I तो इनपुट है, E कितना है? अभी अभी निकाला E, दैट इज अ साइन इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन R2, साइन R2, ओके, माइनस A। अब R2 जो निकालते हैं, तो R2 होता है, R2 इज इक्वल टू A माइनस R1, A माइनस R1, R1 हमारे पास है क्या? हाँ सर बिल्कुल है हमारे पास, A माइनस R1 किधर है? दिस इज R1, ओके, ये हमारे पास R1 है। तो R1 क्या है? साइन इनवर्स ऑफ साइन I, 2 मिनट सिर्फ रुकी, ये क्या निकाल रहा हूं मैं, थोड़ा सा मुझे आप पेशेंस रखिए। अब ये मैं वैल्यू जो डेल्टा की है, तो डेल्टा इक्वल टू I प्लस साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इनटू साइन, ओके, R2 की जगह मैं ये पूरा वैल्यू पुट कर रहा हूं, दैट इज अ A माइनस साइन इनवर्स फिर साइन I अपॉन प्रिज्म, ओके, ये कंप्लीट हो गया। R2 NP ये लिख लिया और ये माइनस I। अब मुझे बताइए ये वाला जो इक्वेशन है, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये हमें ये बताता है कि डेविएशन इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंस एंगल एंड प्रिज्म, प्रिज्म की क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ए, यहाँ पे इमरजेंस एंगल का कोई लेना देना नहीं क्योंकि इमरजेंस एंगल आउटपुट है बेसिकली। यहाँ पे R1 R2 का कोई लेना देना नहीं, कोई R1 R2 नहीं। अब मुझे अगर डेल्टा एंड I का ग्राफ निकालना है, डेल्टा एंड I का ग्राफ निकालना है, तो ये यार बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए ये इक्वेशन, मेरे लिए क्या किसी के लिए भी ये डिफिकल्ट इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन का डायरेक्ट ग्राफ पे चर्चा करते हैं कि ग्राफ कैसा होना चाहिए। ये आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन का ग्राफ, सर वो ग्राफ कहां से आया? कुछ नहीं यार, आजकल कंप्यूटर है, कंप्यूटर में ये इक्वेशन डाल दो वो ऑटोमेटिक ग्राफ दे देगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मैटलैब हो गया, एक्सेल, सिंपल एक्सेल में भी होता है, जो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखते हैं उसमें भी ये इक्वेशंस की वैल्यू अगर डाल देंगे तो वो हमें डेल्टा वाई एक्सिस पे और आई एक्स एक्सिस पे ऐसा हम डिफाइन कर सकते हैं और हमें वो इक्वेशन आ सकता है, मतलब ग्राफ आ सकता है। तो अभी ये मैं मिटाने जा रहा हूँ, ये अभी मैं मिटाने जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ यहाँ से रिलेशंस मिले। ठीक, ये इक्वेशन याद रखना है क्या सर? तो बिल्कुल नहीं, ये इक्वेशन याद नहीं रखना है। ग्राफ कैसे आया होगा मुझे ये बताना था आपको, ग्राफ कैसे आया होगा मुझे ये बताना था आपको। तो यहां पे अभी मैं डायरेक्ट ग्राफ का ही बात करूंगा, ग्राफ एंगल ऑफ डेल्टा वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला ग्राफ है, ओके, दिस मस्ट बी द ग्राफ। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये अगर ये वैल्यू रखू मैं, यहाँ पे मैं आई की वैल्यू रखू 1 2 3 4, ये आई की वैल्यू 1 2 3 4, तो मुझे ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, अनसिमेट्रिकल, पैराबोला नहीं है, पैराबोला का इक्वेशन थोड़ी है, पैराबोला नहीं, वो सिमेट्री नहीं है, ओके, इधर ज्यादा है इधर कम है, ओके, इस टाइप का ज्यादा टिल्टेड है, राइट में ज्यादा टिल्टेड ग्राफ है ये। तो ये ग्राफ यार आएगा मुझे, यहां से मुझे एक चीज तो पता चल रही है कि दिस इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा और
ये जो है मिनिमम वैल्यू, एक कोई तो एक ऐसा इंसिडेंस एंगल है जहां पे हमेशा डेल्टा की मिनिमम वैल्यू मिलती है, वो वैल्यू छोड़ के जितने भी वैल्यूज है इंसिडेंस एंगल की वहां पे दो दो बार डेल्टा मिल रहा है। मतलब अगर मैं ये वाली बात करूं, यहां पे बात करूं, तो यहां पे ये वाला इंसिडेंस आई टू या ये वाला इंसिडेंस आई वन, यहां पे मुझे डेल्टा की एक वैल्यू मिल रही है। मतलब एक डेल्टा पे दो दो इंसिडेंस एंगल, या दो इंसिडेंस का कॉमन डेल्टा हो सकता है, एक ही डेल्टा जो भी आएगा वो। ओके, तो ऐसा कैसे? अब मैं ये इक्वेशन मिटा देता हूं क्योंकि इक्वेशन वाकई कुछ काम का नहीं है। अभी मुझे बस बताना था वो आपको, ये रिलेशन कैसा आया होगा। गलती से जेई मेंस एडवांस वालों को ऐसा कुछ रिलेशन आ गया तो घबरा जाने की जरूरत नहीं है कि आपको ये इक्वेशंस पता है कि इस टाइप का इक्वेशन सर ने लिया था। ठीक है, अब बात करते इस ग्राफ पे। दिस इज अ इंपॉर्टेंट ग्राफ इन प्रिज्म। ओके, दिस इज अ प्रिज्म का ग्राफ की डेविएशन कुछ इस तरीके से आता है। सर ग्राफ कहां से आया? दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो हमने अभी लिया था। तो यहां पे मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं, इसका कंक्लूजन। ओके, कि देयर आर, मतलब अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि फॉर वन डेल्टा वैल्यू, सिर्फ एक डेल्टा, फॉर वन डेल्टा वैल्यू, फॉर वन डेल्टा वैल्यू, एक डेल्टा वैल्यू के लिए, सिर्फ एक छोड़ के, एक्सेप्ट डेल्टा मिनिमम। ओके, फॉर वन डेल्टा वैल्यू देयर आर टू इंसिडेंस एंगल। सर वाकई ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? आप तो बोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक डेल्टा वैल्यू या दो इंसिडेंस पे सेम डेल्टा आ रहा है, सेम डेविएशन आ रहा है? तो कल हमने एक एग्जांपल लिया था, तो वो एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करके देता हूं। तो एग्जांपल था यहाँ पे 75 डिग्री था, इसलिए कल लिया था। 75 का डिग्री का ए था, और यहाँ पे नॉर्मल बना के मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दिखाया था। हाँ सर बिल्कुल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दिखाया था। तब इधर जो एंगल ऑफ ये जो R1 आया था तब 30 डिग्री था अगर आप देखोगे तो, और फिर यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं बनाऊं तो ये 75 है, ये 30 है, तो ये 45 होना चाहिए क्योंकि R1 plus R2 is equal to 75। और फिर इस जगह से, मतलब लास्ट की अगर मैं बात करूं, तो वहां से इमरजेंस एंगल कुछ 90 डिग्री था। दिस इज इमरजेंस एंगल 90 डिग्री। ओके, तो यहां से डेल्टा कितना आया था? तो ये डेल्टा निकालना बहुत आसान था, ए इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, वहां से डेल्टा निकाल लोगे। तो सर वो जो डेल्टा आया था वो 60 डिग्री आया था। कैसे? डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना था? नहीं, यही आया था क्या? ठीक है देखते, 45 डिग्री प्लस ई कितना है 90 डिग्री माइनस 75। तो यस, 45 प्लस 135 माइनस 75, दैट इज अ 60 डिग्री, दिस इज अ डेल्टा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इधर से देखता हूं, मैं इधर से इंसिडेंस किया हूं, मतलब ये एंगल हो गया आपका इंसिडेंस एंगल, वो हो गया इमरजेंस एंगल। तो इसका एक सेट बनाता हूं। तो इंसिडेंस एंगल जब 45 डिग्री है यार, तब आर वन 30 डिग्री है, आर टू 45 डिग्री है। ओके, R1 प्लस R2 तो वो तो 75 रहेगा क्योंकि सेम प्रिज्म है, और इमिशन एंगल जो है, इमरजेंस एंगल जो है वो 90 डिग्री है। ओके, और अब इसके लिए डेल्टा है 60 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मतलब जब I 45 होगा, जब I1 45 रहेगा, ओके मैं यहां पे लिख भी देता हूं, इफ I1 इज 45 डिग्री तब इमरजेंस एंगल होगा 90 डिग्री। ओके, और उस टाइम पे डेल्टा होगा 60 डिग्री। ये आ गई वो वैल्यू। ओके, दिस इज अ 60 डिग्री, सब डिग्री में है। अब दूसरा सेट लेता हूं। ओके, अब मैं इधर से देखता हूं, ये समझ में आ रहा ही होगा आपके। मैं अब इधर से देखता हूं कि ये जो 90 वाला जो इमरजेंस एंगल था उसको मैं इंसिडेंस एंगल बोलता हूं। अभी इधर से इंसिडेंस करता हूं, तो अगर मैं इधर से इंसिडेंस किया तो आपका कुछ इस तरीके से जाएगा और ये फाइनल में इमरजेंस एंगल बन जाएगा।
ओके तो इधर से जब इंसिडेंस करूंगा तो तब सर आई जो है वो आपने 90 डिग्री ले लेना, और जो इधर आर वन होगा अभी उसको आपने 45 डिग्री ले लेना, आर टू इधर हो जाएगा 30 डिग्री ले लेना, और एमर्जेंस एंगल जो है मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म तो 45 ही है, सॉरी 75 ही है, ओके एमर्जेंस एंगल जो है अब इधर का है दैट इज अ 45 डिग्री, लेकिन चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देखो डेविएशन तो 60 डिग्री ही होगा, डेविएशन चाहे फॉर्मूला इसके लिए ये लगाओ चाहे इसके लिए ये फॉर्मूला लगाओ आपको डेविएशन 60 डिग्री ही मिलेगा। इसका मतलब ये हो रहा है, ये कल का प्रॉब्लम है यार, इसका मतलब ये हो रहा है जब I2 90 डिग्री है, मतलब दूसरी कंडीशन जब इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री है उस साइड से जब देख रहा था तब इमरजेंस एंगल 45 डिग्री आया था ओके, और तब पता चला कि उसका भी डेल्टा 60 डिग्री है, मतलब यहां से एक क्लियर होता है कि एक वैल्यू छोड़ के ये छोड़ के आयो ये वाला छोड़ के सभी डेल्टा जो है उसके दो दो इंसिडेंस होंगे, मतलब दो दो इंसिडेंस के लिए सेम डेल्टा वैल्यू आएगी। तो इससे एक चीज तो प्रूव हो गई हमारी, कल एग्जांपल भी लिया था और ये भी लिया था, ये समझ में आए क्या बताइए प्लीज, इज इट ओके? हाँ सर, ये कंसेप्ट समझ में आया, ये जो कंक्लूजन मैंने निकाला लेकिन एक याद रखना कि जब वो इंसिडेंस एंगल होगा तो दूसरा इमरजेंस एंगल होगा, वो इमरजेंस एंगल जब इंसिडेंस हो जाएगा तो जो पहला इंसिडेंस था वो इमरजेंस एंगल बन जाएगा। तो ये कल के एग्जांपल से बहुत क्लियर कट हो रहा है। तो हमने एक कंक्लूजन तो निकाल लिया यहां से कि सर ग्राफ से तो ये चीज पता चल रही है कि वन डेल्टा के लिए एक ही डेल्टा के लिए दो दो इंसिडेंस एंगल हो सकते हैं, मतलब कल भी ये प्रॉब्लम मैंने पूछा था आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि मिनिमम डेविएशन का क्या कंसेप्ट है, मिनिमम डेविएशन कब होगा, व्हेन विल बी द मिनिमम डेविएशन। तो ये अभी मैं मिटा देता हूं, कैन आई रफ इट, टेल मी प्लीज, कैन आई रफ इट, रफ कर दू इसको, नहीं कोई बोल रहा तो रफ कर देता हूं। हाँ देखो अभी मिनिमम डेविएशन की बात करते हैं, अभी ये तो हो गया, ये समझ में आ गया, अब मिनिमम डेविएशन क्या कंसेप्ट है, कब मिनिमम डेविएशन होगा। ओके मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम, ग्राफ तो वही रखेगा यार, क्योंकि इसका प्रॉपर इक्वेशन भी हमने निकाला है इस ग्राफ का, दैट इज अ डेल्टा और दैट इज अ ए, तो कुछ इस तरीके से अनसिमेट्रिकल ग्राफ मिलेगा, और ये जो वैल्यू होगी दैट इज अ डेल्टा मिनिमम, और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसिडेंस एंगल आ रहा है, ओनली वन इंसिडेंस एंगल आ रहा है। ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ है, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि एक ही इंसिडेंस एंगल आ गया, तो जब डेल्टा मिनिमम मतलब अब इसके नीचे नहीं आ रहा है, अब डेल्टा इसके नीचे डेविएशन कम हो ही नहीं रहा है अब इस इंसिडेंस एंगल के लिए, तो फिर अगर ऐसा है इस इंसिडेंस एंगल के लिए डेल्टा वही आ रहा है, तो मैंने क्या किया, मान लो कल का जो एग्जांपल्स था, कल का एग्जांपल्स मेरे ख्याल से जो मिनिमम के लिए था वो एक 60 वाला लिया था, 60 वाला अगर आप देखोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल 60 डिग्री ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म और इंसिडेंस एंगल था 60 डिग्री, आर वन 30 डिग्री, आर टू 30 डिग्री, इमरजेंस एंगल भी 60 डिग्री, तो इस टाइप का मैंने कल एक एग्जाम्पल लिया था, कल हुआ था ना ये एग्जाम्पल, बताइए प्लीज ऐसा और ना, अरे बात कर रहे हैं क्या नहीं आप लोग, चल रहा है क्या नहीं ये, चल रहा है, प्लीज टेल मी, अरे कल मैंने एक प्रॉब्लम लिया था 60 डिग्री वाला, है क्या नहीं, बता पा रहे क्या नहीं आप लोग, बताइए
कल प्रॉब्लम लिया था मैंने एक 60 डिग्री वाला, ठीक है देखते हैं। तो ये जो 60 डिग्री वाला था जो प्रॉब्लम था, दिस इज ए 60 डिग्री नॉर्मल और यहां पे ये 60 डिग्री ऐसा था। तो इस केस में ये 60 डिग्री ये सीधा जाना चाहिए था, सीधा गया नहीं, ओके ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, ये एंगल आया था 30 डिग्री, फिर ये एंगल भी 30 डिग्री और फिर ये सीधा जाना चाहिए था, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया था, ओके तो ये एंगल आया था 60 डिग्री, ऐसा कुछ हुआ था, ओके ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, ये भी 60, ठीक है सर ये तो पता चल गया। अब मैंने क्या किया कि इसका डेविएशन कितना आया, तो बहुत सिंपल सर, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये हो गया 60 प्लस 60 माइनस 60, तो इसका डेविएशन आया 60 डिग्री, ओके इसका डेविएशन आया 60 डिग्री। जब मैंने इसको इधर से देखा तो मैंने यहां पे 60 रख दिया इंसिडेंस एंगल, ओके और डेविएशन भी 60 रख दिया। जब मुझे लगा कि नहीं अब उधर से देखते, उधर से डेविएशन सेम आ रहा है क्या, उधर से डेविएशन सेम आ रहा है, जब मैं देखने गया तो फिर उधर का इमरजेंस एंगल अलग चाहिए था, लेकिन उधर भी उतना ही एंगल था, दैट इज अ 60 डिग्री, मतलब सेम, चाहे इधर से देखो वही इंसिडेंस एंगल है, चाहे इधर से देखो वही इंसिडेंस एंगल है, दोनों इंसिडेंस, दो अब यहां पे दो इंसिडेंस नहीं, सिर्फ एक ही इंसिडेंस बोल सकते हैं, और ऐसे इंसिडेंस के टाइम पे डेविएशन जो है वो मिनिमम डेविएशन कहलाता है, वो मिनिमम डेविएशन कहते हैं हम उसको। तो अब मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन क्या है, व्हाट इज अ कंडीशन, कंडीशन कंडीशन फॉर मिनिमम मिनिमम डेविएशन, ओके मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन ये कि सर हम जब भी चाहे इधर से देखें चाहे उधर से देखें, दोनों से एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, इसका मतलब मिनिमम डेविएशन तभी पॉसिबल है जब इंसिडेंस एंगल एंड इमरजेंस एंगल सेम हो, इंसिडेंस एंगल एंड इमरजेंस एंगल सेम हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो। दूसरा दूसरा कंसेप्ट है, बताइए दूसरा कंसेप्ट, स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके हाँ, तो पहली बात तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस मस्ट बी सेम, दूसरी बात दूसरा कंसेप्ट कि अगर ये इंसिडेंस एंगल है ये ऐसा, मैं अगर इधर गया तो ये वाला सीधा जाने के बजाय ऐसा जाएगा, ये 60 सॉरी ये इमरजेंस एंगल है तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ यार, ये आपका आर वन है और ये आपका आर टू है, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखता हूँ, दिख नहीं रहा है वो, ओके तो ये देखो यहां पे मैंने नॉर्मल बनाया, ये दिस इज अ नॉर्मल, यहां पे इंसिडेंस एंगल ये ऐसा आया, थोड़ा सा ऐसा, ये इमरजेंस एंगल, ठीक है सर ये आपका होगा आर वन और ये होगा आर टू। तो यहां पे अगर मैं पहली बार स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर का मीडियम एन है और इसका एन पी है, तो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा एन साइन I is equal to NP sin R1, ओके यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाता हूं स्नेल्स लॉ, तो इसका आएगा NP sin R2 is equal to N sin E, ओके लेकिन हमें एक पता है कि अगर मुझे मिनिमम डेविएशन चाहिए, इफ दिस इज अ मिनिमम डेविएशन देन I मस्ट बी E, तो ये E के जगह में I लिख देता हूं, E के जगह मैंने I लिख दिया। अब देखो ये N sin I, N sin I, सर ये मिनिमम डेविएशन के लिए सिर्फ, तो यहां से पता चल गया कि NP sin R2 and NP sin R1 सेम ही है, सेम ही है, यहां से NP NP कैंसिल,
तो आर वन एंड आर टू सेम होनी चाहिए, आर वन एंड आर टू मस्ट बी सेम। चलो दूसरी कंडीशन पता चल गया हमें कि कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कि आर वन इज इक्वल टू आर टू होनी चाहिए। चलो फुलफिल हो रहा है, देखो 30 डिग्री 30 डिग्री, देखो आर वन आर टू सेम है। ओके दूसरा केस, दूसरी तीसरी कंडीशन कि आर वन आर टू अगर सेम है तो जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो होता है यार आर वन प्लस आर टू, ठीक है सर। इधर अगर मैं R2 की जगह R1 डाल देता हूं तो ये R1 प्लस R1 मतलब 2R1, तो यहां से R1 की वैल्यू आ जाएगी A बाय 2 और R2 की वैल्यू भी आ जाएगी A बाय 2। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि तीसरा R1 R2 तो सेम ही है और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के हाफ होनी चाहिए, सॉरी एंगल ऑफ प्रिज्म के हाफ होनी चाहिए, तभी आपको मिनिमम डेविएशन आएगा, तभी आप बोल सकते हैं कि मिनिमम डेविएशन। सर यहां पे है क्या बताइए, 30 30 सेम है आर वन आर टू, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड। 60 60 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 30, तो आर वन आर टू इक्वल टू आ रहा है वो, मतलब दिस इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन के लिए इतने सारे हमारे पास फॉर्मूलेज है, इतने सारे हमारे पास फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले बोल सकता हूं या मैं कंडीशन बोल सकता हूं। चलो अब ये मैं मिटाने जा रहा हूं, ओके ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, हो गया होगा तो बताओ, मैं आगे बढ़ता हूं फिर। कैन आई मूव फॉरवर्ड, ओके ओके I will move forward. अब कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो। हाँ तो अब एक चीज तो पता चल गई कि अगर ये प्रिज्म है और एंगल ऑफ प्रिज्म है ये, और यहां पे जो भी इंसिडेंस एंगल आ है इसको अगर मिनिमम डेविएट होना है, इसको अगर मिनिमम डेविएट होना है तो फर्स्ट टाइम जब ये एंटर होगा उसको एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी, एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी। पहली कंडीशन ये होती है कि जब ये अंदर एंटर होगा तो इसने जो एंगल आर वन बनाना है फर्स्ट टाइम, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए बाय टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए बाय टू। ये तो उसकी पहली कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होगी तो आगे की भी वो कंडीशंस बाकी फिर सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे क्योंकि ये ज्योमेट्री का कंसेप्ट है। ओके तो यहां से अगर मैं स्नेल्स लॉ की बात करूं कि दिस इज अ सराउंडिंग मीडियम और दिस इज अ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां से स्नेल्स लॉ अगर मुझे लगाना है तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन प्रिज्म का एंगल डिवाइडेड बाय टू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके यहां से एक चीज तो पता चल गई कि दिस आई, दिस पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल फॉर फॉर मिनिमम मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ डेल्टा, दिस इज अ इंसिडेंस एंगल, ये ऐसा इंसिडेंस एंगल है, ये ऐसा इंसिडेंस एंगल है, ये अगर सेटिस्फाई हो गया तो मैं डायरेक्ट डायरेक्ट इस पे बोल सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर ये दोनों सेम है, बोथ आर सेम, तो मैं यहां से एक चीज तो उठा सकता हूं, देखो कि डेल्टा मिनिमम तब होता है जब आई प्लस ई माइनस ए, तो ये डेल्टा का रेगुलर फॉर्मूला है, लेकिन मिनिमम है सर तो I एंड E सेम ही है माइनस ए, तो यहां से डेल्टा मिनिमम आ गया 2i माइनस ए। ओके तो यहां से I की वैल्यू अगर मुझे निकालना है, इंसिडेंस की निकालना है यहां से, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा या A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2, दिस इज इंसिडेंस। ये वैल्यू यहां पे आप पुट कर सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूं, ये वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूं, ये वैल्यू, तो ये इक्वेशंस कैसा बनेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, साइन आई,
अच्छे से समझो, साइन आई अपॉन साइन ए बाय टू इज इक्वल टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से ये बन गया सर। अब ये आई की वैल्यू है, वो आई की वैल्यू वो डाल देता हूं मैं, है ना। दिस इज अ साइन, आई की वैल्यू वो डाल देता हूं, डेल्टा मिनिमम प्लस ए अपॉन टू। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, पूछा भी गया है कि प्रिज्म, हाँ ये देखो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का, तो ये यार ये भी हो गया क्या बोलते उसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये साइन। तो ये फॉर्मूला एक जाना माना फॉर्मूला पे आता है कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद तो नहीं, लेकिन नया फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको कि ये फॉर्मूला सर ने कहां से लाया होगा, ये फॉर्मूला आपके लिए कोई नया नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाला सर, हमने ये इतना कंडीशन निकाली, इस कंडीशन के भरोसे हमने इसको डायरेक्ट बोल दिया कि तुझे अगर डेविएशन मिनिमम चाहिए तो पहली कंडीशन तो तुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी जब तू एंटर होगा, अरे कौन सा कि आर वन तुझे ए बाय टू के बराबर ही चाहिए। तो आर वन ए बाय टू के हिसाब से ये आ गया, ये रिलेशन आ गया। इस रिलेशन में हम, हाँ अब इस रिलेशन से हम प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आराम से निकाल सकते हैं ना, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल निकाल सकते हैं। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो मिनिमम डेल्टा कितना देता है ये वैल्यू वो निकालना पड़ेगा, और इंसिडेंस एंगल वगैरह वो आपको सब कुछ निकालना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा कि दिस इज अ मिनिमम केस, मतलब मिनिमम केस में इस टाइप का प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, मिनिमम डेविएशन के केस में। तो सर इस पे एक एग्जांपल हो जाए कि क्या एग्जांपल है, तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45, मान लो 45 इस पे इंसिडेंट हो रही है और वो लाइट ऐसा गिवन है, वो लाइट प्रिज्म से आर पार जा रही है, ओके सिमेट्रिकल है, मतलब ऐसा बोला गया है, आर पार जाने का मतलब ये बोला गया है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 ऑन अ फेस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म पासेस सिमेट्रिकली। सर ये पासेस सिमेट्रिकली क्या होता है, सिमेट्रिकली का मतलब ये हो गया कि जब वो इंसिडेंट रे जिस एंगल से आएगी वैसा ही वो लगभग वो इंसिडेंट रे जाएगी, ऐसा उनका बोलना है कि सिमेट्रिकली वो पास हो रही है, दोनों को ऐसे इसमें कर दिया, ठीक है। जैसा सिमेट्रिकली बोल दिया इसका मतलब ये हो गया कि इधर का एंगल, इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल सेम है, इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल सेम है, तो हमें पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कोई भी मतलब मटेरियल जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो चलो आइए करते वो एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं पहली बात, तो ये आपको कंडीशंस पता चल गई क्या क्या कंडीशंस है, तो एग्जांपल करोगे तो थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा, ये मैं मिटा देना ही बेहतर समझता हूं इसको, ठीक है। देखते हैं हमारे पास क्या क्या रिलेशंस है, मैं पहले प्रॉब्लम लिख लेता हूं। लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल 45 डिग्री, ओके एग्जाम्पल है लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 45 ऑन अ फेस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म, ऑन अ फेस ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म, ओके एंड पासेस सिमेट्रिकली and passes symmetrically. Find refractive index of medium. Okay. Find refractive index of medium. Medium का refractive index बोला है, तो इसको कैसे हम solve करेंगे? Okay. कुछ नहीं दिया, मतलब प्रिज्म का एंगल नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, अभी प्रिज्म का एंगल एक अज्यूम कर सकते हैं बोलना, लेकिन ठीक है देखते हैं कैसे क्या इसको सॉल्व करते हैं। तो
60 डिग्री प्रिज्म का एंगल है, ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। ये हुआ ही ये बोलना वैसे, लेकिन हमें वही आंसर निकालना है जो आप अगर पीछे जाके देखोगे एग्जांपल्स में, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एंगल सॉरी वैल्यू आनी चाहिए। तो एक प्रिज्म लिया मैंने, प्रिज्म पे ये इंसिडेंस एंगल करवाया जो कि 45 डिग्री है, जैसा मैंने बोला कि दिस इज अ मिनिमम डेविएशन है क्योंकि सिमेट्रिकल जा रहा है, जैसा सिमेट्रिकल जा रहा है तो दैट इज अ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन। सीधा बोला है कि सिकार लिखा है, ये लिखा है पासे सिमेट्रिकल, ये बोल दिया यार, तो दिस इज अ कंडीशन फॉर मिनिमम मिनिमम डेविएशन। जैसा मिनिमम डेविएशन का सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम है, तो फिर ये दोनों सेम है तो सर फिर ये तो ये भी होगा, फिर ये भी होगा, हाँ बिल्कुल ये भी, मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे जो एंगल है कि ये सीधा जाना चाहिए था कुछ इस तरफ जाएगा तो ये एंगल आपका कुछ ए बाय टू आ जाएगा। तो यहाँ पे यार प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके, इसको मान लो एयर में रखा है, एयर में रखा है तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालना है और ए की वैल्यू पता है हमें 60 डिग्री तो निकालना बहुत आसान हो गया, बस स्नेल्स लॉ लगा दो यहाँ पे, यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दो। सर क्या इसके लिए ये करना जरूरी था, मतलब आप बोल सकते हो क्या इट इज अ नेसेसरी कि आर वन आर टू वाला कंसेप्ट, बिल्कुल, क्योंकि सिमेट्रिकली जा रहा है, इससे मैं ये नहीं निकाल सकता था कि वो आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू ए बाई टू है, ये पता करने के लिए मुझे वो सब कुछ आपको बताना पड़ा, तब पता चला कि हाँ जब कोई भी सिमेट्रिकल जाता है, सिमेट्रिकल का मतलब दो फेसेस पे सेम एंगल बनना, और दो फेसेस पे सेम एंगल बनना दिस इज अ कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, ठीक है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अभी मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज अ वन साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन ए बाय टू, साइन ए बाय टू यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल, ए बाय टू ए की वैल्यू पता है कितनी है 60 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री, तो एनपी साइन 30 डिग्री और यहाँ पे साइन 45 वन बाय रूट टू ओके, और साइन 30 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, कितना लिखूं 1/2, तो ये हो जाएगा 2√2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और हमें पता है कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस एग्जांपल में √2 था, तो वही तो आया, देखो वही तो आया, ये कंसेप्ट लगाने पे ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलता तो थोड़ा सा ये हो जाता कि कैसे बोल दिया आपने R1 = R2, समझ में आया मिनिमम डेविएशन का। हाँ मिनिमम डेविएशन पूछा तो क्या सर हम मिनिमम डेविएशन निकाल सकते, बिल्कुल वो तो वैसे निकाल सकते थे आप, डेल्टा मिनिमम कितना हो जाएगा 2i - a, 2i i कितना है, i इंसिडेंस एंगल दिया है कि हाँ दिया है 45 डिग्री ओके, माइनस a 60 डिग्री मतलब 90 - 60, बस यहां से आप इंसिडेंस एंगल भी निकाल सकते हो। ये समझ में आया आपको, बताइए प्लीज। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा, चलो ये मैं मिटा देता हूं, आई विल रफ इट, ये हो गया होगा तो अब बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे वाला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं और एक मैक्सिमम डेविएशन की बात करते हैं अभी, ये तो मिनिमम हो गया, मैक्सिमम डेविएशन का क्या फंडा है। अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कुछ रिप्लाई विप्लाई देते नहीं हो तो जरा मुझे बताइए पहुंच रहा है क्या नहीं आप तक, समझ रहे हैं ओके। ये थोड़ा सा प्रिज्म हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के चांसेस अभी तक तो है, मतलब अभी तक तो वैसा पेपर का पैटर्न रहा है कि प्रिज्म और TIR और रिफ्लेक्शन पे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। वैसे भी आपका सिलेबस से रिफ्लेक्शन हटाया गया है अभी इस बार, आपको पता होगा तो नए सिलेबस में, मतलब 30% जो रिडक्शन किया गया है, CBSE का बात कर रहा हूं मैं, बोर्ड की नहीं ओके,
तो उसमें रिफ्लेक्शन है ही नहीं, रिफ्रैक्शन है। लेकिन फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जहां पे ये ऐसा टी आया, रिफ्लेक्शन कब होगा, फिर इसलिए रिफ्लेक्शन पढ़ाना ही पड़ता है ना। लेकिन वो आपके सिलेबस में अभी तो नहीं, ये चीज है ठीक है। वो रिफ्लेक्शन पढ़ाने के बाद में गवर्नमेंट का डिसीजन आया ठीक है। अब क्या है मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन दैट इज अ डेल्टा मैक्स। क्या है सर डेल्टा मैक्स का कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमम डेविएशन कब होगा? तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए अगर आप ये देखो इंसिडेंस एंगल और इसका ग्राफ देखो, तो कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से ग्राफ दिखाई दे रहा है, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू दिस इज अ डेल्टा मैक्स, दिस वैल्यू इज डेल्टा मिनिमम। यहां से तो क्लियर कट पता चल रहा है यार कि डेल्टा मैक्स चाहिए तो सेम डेल्टा मैक्स के लिए आई वन भी हो सकता है और सेम डेल्टा मैक्स के लिए आई टू भी हो सकता है। इट मीन्स देर आर टू इंसिडेंस, दो इंसिडेंस हो सकते हैं, होंगे, हो सकते नहीं होंगे, दो इंसिडेंस होंगे। तो मैक्सिमम डेविएशन में तब बोलूंगा यार कि कोई चीज सीधी जा रही है, मान लो ऐसे सीधी जा रही है और इसको हल्का सा भी आप डेविएट करोगे तो उसके लिए तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि बहुत सिंपल बात है। देखो ये कोई मीडियम बाउंड्री है, ओके दिस इज अ मीडियम बाउंड्री। अब ये सीधी सीधी इसको टच करती हुई जा रही है ये चीज, ये गलती से भी इस मीडियम को क्रॉस नहीं करेगी, आपको भी पता है। वो इस टाइप के इंसिडेंस के लिए तो वो मैक्सिमम डेविएशन बन जाएगा, क्योंकि वो तो खुद डेविएट नहीं होना चाहती थी, उसका नेचर ही ऐसा था कि वो आर पार जा ही नहीं रही थी इस मीडियम बाउंड्री के लिए। वो तो गलती से हो, जहां पे भी हो गई होगी, तो जो भी डेविएशन होगा, जो भी 1, 2, 3 डिग्री 5 डिग्री जो भी डेविएशन हो, वो तो उस कंडीशन के लिए, ऐसे कंडीशन के लिए तो मैक्सिमम डेविएशन बन जाएगा। हाँ सर बिल्कुल, ऐसे कंडीशन के लिए मैक्सिमम डेविएशन बन सकता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है? तो ऐसा दो केसेस में पॉसिबल है, दो केसेस में पॉसिबल है, ओके टू केसेस में पॉसिबल है। तो पहली केस ये कि मैंने इसको इस टाइप से इंसिडेंट कराया, नॉर्मल इंसिडेंस नहीं है ये, दिस इज अ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग इंसिडेंस। अब जब भी ग्रेजिंग इंसिडेंस होगा तब आई इज इक्वल टू सर 90 डिग्री होगा, आई मस्ट बी 90 डिग्री। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के वक्त जो भी डेविएशन आएगा अभी, क्योंकि ये खुद डेविएट नहीं होना चाहती थी, ये खुद सीधी सीधी जाना चाहती थी जस्ट टच करके, है ना। लेकिन जब भी अभी डेविएट होगा इस पॉइंट पे, ओके, तो मैं बोल रहा हूं कि ऐसा डेविएट होके कुछ भी डेविएशन यहां पे आ जाए, कुछ भी, ओके कुछ भी डेविएशन आ जाए, दिस मस्ट बी ई, ओके। और जो भी नॉर्मल के साथ होगा, मतलब ये जो सीधा सीधा जो डेविएशन होगा, दैट मस्ट बी योर डेल्टा मैक्स, डेल्टा मैक्स, ओके। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के वक्त ये चीज होने वाली है, ग्रेजिंग इंसिडेंस के वक्त ये चीज होने वाली है। दूसरी, ये यार बहुत ही आसपास हो रहा है, ये बोर्ड छोटा होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है। ये हो गया ग्रेजिंग इंसिडेंस। और दूसरा सर, और दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है यार कि कोई भी दूसरा एंगल है, कोई भी दूसरा एंगल है, इंसिडेंस एंगल आए, तब ये ऐसा सीधा जाने वाला था, इसको इतना डेविएट करा दिया डायरेक्ट जितना हो सकता था, ये डेविएशन, ये डेविएशन, ओके। मतलब ये हो गया इमरजेंस, इमरजेंस मतलब जो ये जैसा इंसिडेंट इमरजेंस रे है, इमरजेंस इंसिडेंट है, तो ये इमरजेंस रिफ्रैक्टेड है, बराबर ऐसा रिफ्रैक्शन होगा, दिस काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उस टाइम पे जो इमरजेंस एंगल होगा, इमरजेंस एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा।
तो इसका मतलब सर, इसका मतलब मैक्सिमम, अब अच्छे से समझो, कंडीशन कंडीशन फॉर डेल्टा मैक्स, एक तो पहली कंडीशन इंसिडेंस एंगल सर 90 डिग्री, सॉरी हाँ इंसिडेंस एंगल पहले 90 डिग्री, मतलब ग्रेजिंग ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए। नहीं, दूसरी कंडीशन कि ऐसा इंसिडेंस एंगल फॉर विच इमरजेंस एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, मतलब ग्रेजिंग ग्रेजिंग टाइप का इमरजेंस, ग्रेजिंग टाइप का इमरजेंस, ये इतना क्लियर कट है कि डेल्टा मैक्स तभी आएगा, एक तो ग्रेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए, एक तो ग्रेजिंग इमरजेंस होना चाहिए, है ना, ग्रेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए, एक तो ग्रेजिंग इमरजेंस होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, तो इट मस्ट बी द ग्रेजिंग इंसिडेंस, और ग्रेजिंग इंसिडेंस हो सकता है और ग्रेजिंग इमरजेंस हो सकता है, दिस मस्ट बी द कंडीशन फॉर मैक्सिमम। मिनिमम के लिए अलग, तो देखो ना दो आए क्या, नहीं दो आए, एक आई वन आया, तो इसका मतलब आई वन अगर 90 डिग्री होगा तो उस टाइम पे ई कुछ और होगा, ओके, या यहां पे आई टू कुछ और होगा तो तब ई 90 डिग्री होगा, तब यहां पे ई 90 डिग्री होगा, ऐसा दोनों के लिए डेल्टा मैक्स सेम है, एक तो इमरजेंस 90 डिग्री, तब आई टू कुछ और होगा, कोई भी वैल्यू होगी आई टी की, ओके आई टू की वैल्यू मान लो ए कुछ होगी, और जब आई वन 90 डिग्री होगा तब इमरजेंस की वैल्यू जो होगी वो ई होगी, ऐसा मैं समझ रहा हूं, ओके। तो एक एंगल कोई भी 90 डिग्री है, चाहे इंसिडेंस और इमरजेंस, तो मैक्स जो भी डेविएशन होगा यार तब मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन के कंडीशन तो हमें पता चल गई। एक तो मिनिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंस एंगल सिमेट्रिकल होने चाहिए, इंसिडेंस एंगल एंड इमरजेंस एंगल मस्ट बी सेम, और यहां पे मिनिमम एंड मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम इंसिडेंस कितना हो सकता है 90 डिग्री, तो वो 90 डिग्री मैक्सिमम चाहिए, इक्वल नहीं, ओके। और फिर बाकी का जो दूसरा इमरजेंस एंगल आया वो आया, ओके, उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप बोलेंगे डेविएशन। सर यहाँ पे डेविएशन बताओ कौन सा है, तो ये डेविएशन है, दिस इज ओरिजिनल, और ये है आपका डेल्टा मैक्स, ये आपका डेल्टा मैक्स, ओके। इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। नहीं सर मुझे वैल्यू बताइए डेल्टा मैक्स की, मतलब कोई फॉर्मूला बताइए, तो चलो फॉर्मूला पे बात करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट में फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला कौन सी बड़ी बात है, इतना तो समझ में आ गया आपको कि ग्रेजिंग वाला कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगर मान लो मुझे डेल्टा मैक्स चाहिए, तो मुझे इतना तो पता चल गया कि इंसिडेंस मेरे हाथ में जो है दैट मस्ट बी 90 डिग्री, ग्रेजिंग इंसिडेंस चाहिए। जैसा मैं बोल रहा हूं कि ग्रेजिंग इंसिडेंस चाहिए, तो यार जो ये अंदर का R1 है, अच्छे से समझो, ये 90 डिग्री है, ये R1 है, तो R1 यार क्रिटिकल एंगल हो जाएगा कि नहीं, यस R1 मस्ट बी क्रिटिकल, R2 A माइनस क्रिटिकल, क्योंकि R1 प्लस R2 A होता है ना, तो ये थोड़ा सा बड़ा निकालता हूं मैं, इससे मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं अभी, कि फॉर्मूला मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है। देखो कि सर कोई भी एक कंडीशन उठाओ, चलो ग्रेजिंग इंसिडेंस वाली उठा दी कंडीशन, जब इंसिडेंस एंगल जो है वो 90 डिग्री है, इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री, उस टाइम पे जो भी ये एंगल होगा दिस मस्ट बी क्रिटिकल एंगल, ओके। और ये जो होगा ये सीधा सीधा तो नहीं जाएगा, इस नॉर्मल को थोड़ा सा और इधर जाएगा, बराबर है, तो ये एंगल सर जो होगा दैट मस्ट बी ए माइनस क्रिटिकल, क्योंकि ये प्रिज्म होता है, और ये आर वन एंगल या आर टू एंगल, आर वन आर टू, तो इसमें वो वैसा होना चाहिए, ठीक है, इससे कुछ हमें पता चलता है। तो एक काम करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ओके, और बाहर एयर लेते हैं अभी का, कोई प्रॉब्लम नहीं, एयर, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, इस जगह पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो 1 into sin 90, बराबर है ना, ये जो इंसिडेंस एंगल है, ये साइन आई बोलो या जो जो आप बोल सकते हैं वो बोलो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो बोला वही आप करोगे, ओके।
साइन 90 ये 1 हो जाएगा, लेकिन यार मुझे, अच्छा ये इमरजेंस एंगल है, मुझे डेविएशन चाहिए, आई वॉन्ट डेविएशन। तो डेविएशन के लिए आई तो आपके पास है, आई तो है, आई के लिए लगाने की जरूरत नहीं, यहां पे लगाते हैं हम एट दिस पॉइंट स्नेल्स लॉ, तब थोड़ा सा और एक शॉर्टकट मिल जाएगा। यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन ए माइनस सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम से आ रहा है इज इक्वल टू जिस मीडियम में जा रहा है वो एयर साइन ई। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। तो यहां से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ए माइनस सी, ये साइन इधर लेके आता हूं, तो दिस इज अ साइन इनवर्स इज इक्वल टू ई। एक बार ये फॉर्मूला आपके पास आ गया तो डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये तो फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन हमें पता है कि इंसिडेंस एंगल कितना है 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री, दिस इज अ 90 डिग्री। ई कितना है, ये अभी निकाला आपने ई, ये ई निकाला आपने, क्या है साइन इनवर्स ऑफ प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ ए माइनस सी, ये कंप्लीट प्लस, सॉरी ये अब माइनस ए, खत्म। दिस इज अ डेल्टा मैक्स, दिस इज अ डेल्टा मैक्स, खत्म। ये होगा आपका डेल्टा मैक्सिमम। देखो 90 डिग्री है, साइन इनवर्स, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, उसका ए पता होगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 1 अपॉन म्यू या 1 अपॉन एनपी, बराबर है, यहाँ पे 1 अपॉन एनपी रख देना। हाँ सर वो पता है 1 क्यू, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाय, मतलब रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम। बस ये फॉर्मूले से हम डेल्टा मैक्स भी निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वैल्यू आपको आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए इज देयर एनी प्रॉब्लम।